वर्षा के बर्थडे की तैयारी, सारे बलून वगैरह फुला के रख लिए। अब ये जाके अंदर भी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट। इस बार मैंने सोचा वर्षा के नाम का ऐसे करके लेटर वाइज करवा लेते हैं, जोना के टाइम पे नहीं कराया था। तो ये हो गया पूरा डेकोरेशन तैयार वर्षा के बर्थडे के लिए। देखो मस्त लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी बढ़ेगा। तो अभी हम मैंने लेके आई हूँ ढोकला, और इसको क्या बोलते हैं, खांडवी। ब्रेकफास्ट के लिए ये रही लहसुन की चटनी, ग्रीन चिली, और ये गुजरात में मिलती है कड़ी। ये हो रहा है नाश्ता, ये मेरी चाय जो हो चुकी है ठंडी, ये पी लेती हूँ। लेकिन तो अभी हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग जाएंगे बाहर। ये मैं कुछ अजीब ही लग रही हूँ, मुझे ना मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो जा रहे हैं हम लोग बाहर। मैं तो रेडी हो गई हूँ, वर्षा रेडी होने में उसको टाइम लग रहा है। और ये रही जूना, जूना भी रेडी है। नहीं बेटा, जूना मामा भी रेडी है, जूना मामा भी। तभी हम लोग जा रहे हैं, ऐसी जगह ही जाएंगे जहाँ पे जूना को अलाउ हो, जो मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस है एक्चुअली। और बेसिकली हम लोग पीने जा रहे हैं जामुन चाट, क्योंकि हमने हमें थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सब वेल खाया। तो जा रहे, वर्षा का मन था तो मैंने चलो आइए तो चलते हैं, तो वहाँ जाके मिलते हैं। इस लड़की को यहाँ पर रैट दिखाई दिया, रैट मतलब चूहा। अभी इसके अंदर घुसने की कोशिश करिए। जो ना भैया मारेंगे बेटा, चलो बाहर निकलो। हम खा रहे हैं यहाँ की फ्लेवर पानी पूरी। मेरे को तो पता ही नहीं था ये मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा हो गया है, पूरा इतना बड़ा खुल गया मार्केट यहाँ पे साइड पे अंदर अंदर ऐसे करके। मेरी जोनू जोनू, ये मार्केट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है इतना, मतलब जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है। इस शॉप पे आपको हर ब्रांड की फर्स्ट या फर्स्ट कॉपी तो नहीं बोलेंगे, सेकेंड थर्ड कॉपीज मिल जाएंगी। देखो कैसा लग रहा है जूना बाबा, बस चमासी के साथ बैठा है, कैसा लग रहा है। तो अभी घर पे आ गए हैं, मेरा ये वाला पिंपल बड़ा ही होता, ये वाला पहले बड़ा हो रहा था, अब ये वाला बड़ा होता जा रहा है। और मेरा बहुत मतलब बहुत मतलब बहुत गंदा वाला थक गई हूँ, जूना भी थक गई है। जूना कहाँ गई, जूना ऐसा थकी है कि उठ ही नहीं रही है, मतलब सीधे आके सो गई। सोचो कितना ज़्यादा थक गई होगी। तो गाइस मैं अभी कुछ खाती हूँ, उसके बाद केक वेक कट करते हैं, फिर सोते हैं। मतलब आपके साथ तो शेयर करूँगी पूरी चीज़ें जो भी रहेगा, देखते हैं। पर मेरे को जग कैसे जगहों में पता नहीं। सारा सामान, ये जामुन शॉट है, इसे पता नहीं डोनट कैसे करके क्यों दिया, मुझे समझ में नहीं आया। भैया ने वहाँ पर ये फ्रैंक की, इसमें जामुन शॉट दिया गया है, केक सब आ गया है, बट टाइम और मैं पता नहीं। और जोना जोना केक खाने की फिराक में बैठी है, केक को ताड़ते हुए निकल गई। तो वर्षा और मैं चेस करेंगे जामुन चाट के साथ। बर्थडे बिगिन। कैसा है बता बता, मुंह भरा पड़ा है। नाइस, अच्छा है ना, मस्त। यस, अच्छा है। और आगे कोई रिव्यू? अच्छा बस बंद कर देंगे, ठीक है, वीडियो से पता चलेगा। ये देखो स्पीड, देखो लड़की खाने की। अरे यार हटा दी, तो सारा खावे से देना निकाल के देखा, मैं सबसे पहले लगाया जोड़ा केक देख के वर्षा के पीछे पीछे घूम लिए। देख तो अभी हम कर रहे हैं केक कट। वर्षा ने बोला कि वो डेकोरेशन में कल करेगी सुबह, आज रात को नॉर्मल वे ही कर लेगी। और जोना भी रेडी होके बैठ गई है उसके पास केक खाने के लिए, कट करने के लिए नहीं, खाने चलो के लिए। चलो भैया चालू करो। ये भी वर्षा ने खाया है, और ये कचरा भी वर्षा ने फैलाया है। तो सब लाइट अप कर। चलो मैं लाइट करके आपको मिलती हूँ। चलो वर्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो ना केक खाने के लिए रेडी बैठी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं बहुत कम खाऊंगी, धन्यवाद। जरा उठ ला थोड़ा सा, तो रेडी रहती है हमेशा खाने के लिए। गंड बाबा देखो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो जैसा मतलब छोटा छोटा जितना मेरे से हो पाया
मैंने उतना किया उस वर्षा के लिए, उसको अच्छा लगा मे भी। और उसी ने बोला कि अभी उसको यहाँ पे करना है, बाद में डेकोरेशन में वो अच्छे से तैयार होके आएगी, क्योंकि बाहर गए तो थक जाता है इंसान, फिर तैयार व्यार होने का मन नहीं करता है। तो कल करेंगे, कल क्या प्लान करते हैं, सब मूवी जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे, तो उस हिसाब से करेंगे। तो आज के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।